तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर कोई कंपनी आप डायरेक्ट छोड़ देते हो, मान लो आप किसी कंपनी में वर्किंग हो, आप 1 महीने से हो सकते हो, आप 6 महीने से वर्किंग हो सकते हो, आप 1 साल से वर्किंग हो सकते हो, वो वेरी करता है, मल्टीपल ईयर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल मंथ्स भी हो सकते हैं आप किसी कंपनी में अगर वर्किंग हो, और फिर वो कंपनी आप सडनली छोड़ना चाहते हो, उसके बाद कंपनी आप पर क्या लीगल एक्शन ले सकती है और क्या लीगल एक्शन नहीं होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो किसी भी आप एक एक्स वाई जेड कंपनी में वर्किंग हो, आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हो, मिड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हो, एक एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हो, तो उस केस में होता क्या है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टेंट छोड़ के आते हो, यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं। पहला ये कि आपने उनको क्या किया, एसेट वगैरह सबमिट कर दिया, आईडी कार्ड वगैरह सबमिट कर दिए, सारा कुछ क्लियरेंस करा लिया, और आपने दूसरे दिन से ही जाना बंद कर दिया। एंड एक ये होता कि आपने कंपनी को डायरेक्ट छोड़ दिया, आपने कंपनी के एसेट भी सबमिट नहीं किए, आईडी कार्ड लैपटॉप वगैरह आपने कंपनी को एसेट सबमिट नहीं किए, तो उस केस में क्या हो सकता है। तो देखो, पहले केस में क्या है कि आपका जो आईडी कार्ड लैपटॉप वगैरह सबमिट किया, दैट इज ओके, प्रोफेशनल वे आपने सबमिट किया, अच्छी बात है। एंड दूसरे केस में अगर आपने एसेट वगैरह सबमिट नहीं किया है कंपनी में, तो आप मान लो कि 100% आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंपनी वो कितने लेवल तक जाके लीगल एक्शन लेगा, कितना तगड़ा आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो मेक श्योर हमेशा कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आएँ एंड सारे एसेट वगैरह सबमिट करके आएँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रोसेस सारा कंप्लीट करके आएँ। एंड दूसरा क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला केस मैंने आपको बताया कि उस केस में अगर आपने कंपनी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का लीगल बॉन्ड या अग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो भी आप कंपनी छोड़ सकते हो डायरेक्टली। बट उसमें 1-2% के केस में, 5-10% के केस में क्या देखा गया है कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के गया, तो कंपनी जाहिर सी बात है आपको टर्मिनेशन या एब्सकॉन्डिंग देगी ही देगी, क्योंकि आपने बिना नोटिस पीरियड सर्व की कंपनी छोड़ी, तो आप एक्सपीरियंस है रिलीविंग लेटर की, तो उम्मीद ही मत रखना कि कंपनी आपको किसी भी तरीके का लेटर देगी। बट टर्मिनेशन और एब्सकॉन्ड अगर करेगी, तो वो लेटर आप कंपनी से ले सकते हो, वो कंपनी आपको देगी। वो कंपनी नहीं भी देती, तब भी आप उस कंपनी से वो लेटर लेना, ये आपका राइट्स होता है। अगर आपके ऑफर लेटर में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप नोटिस पीरियड बाई आउट भी नहीं करते हो और नोटिस पीरियड सर्व भी नहीं करते हो, तो उस केस में कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्लेम लगा सकती है या ब्लेम लगा सकती है कि आपने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, इस वजह से हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो कंपनी में हमेशा आप एक प्रोफेशनल ईमेल डालें और रिजाइन करें, एंड कंपनी को ऑप्शन दें। अगर आपको कंपनी में कल से नहीं जाना है, तो कंपनी को आप ये बोलें ईमेल पे कि ठीक है, हम आपका नोटिस पीरियड का जितना भी अमाउंट होगा वो सारा हम बाई आउट करेंगे, सारा कुछ हम उससे क्लियर कराएंगे, एंड आप मुझे रिलीव कर दो या हमें आप रिलीज कर दो। बट इन द लास्ट कंपनी अगर चाहे तो लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर आप डायरेक्ट छोड़ते हो, क्योंकि अगर आप अपना ऑफर लेटर पढ़ोगे उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। बाकी इसके अलावा भी आपका कुछ भी कमेंट या क्वेरी है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे 1-to-1 आप कॉल कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। बाकी अगर आपका और भी कोई डाउट है, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।